हम लोग खेसारी जी के साथ खड़े हैं और तन मन धन के साथ खड़े हैं। चाहे उनके लिए लाठी डंडा करने की जरूरत पड़े फिर भी हम लोग तैयार हैं। लाठी में तेल पिला करके हम लोग टाइट किए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा खेसारी जी के साथ जन आंदोलन करने की उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन भाजपाइयों को किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। भाजपाई लोग अगर सोचेंगे कि गरीब का बेटा खेसारी लाल यादव जो बेचारा लिट्टी चोखा बेच करके अपना यह स्थान बनाए हैं, इस स्थान पर पहुंचने के बाद उनको कोई सताएगा, सोच लिया है कि खेसारी लाल यादव अकेले हैं, तो तुम्हारी सोच गलत है। खेसारी लाल यादव के भले सुख में संतोष रेणु यादव रहे या ना रहे, सुख में मुझे किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं होती, लेकिन खेसारी लाल यादव बड़े भाई हैं, उनके विपत्ति में उनके दुख में संतोष रेणु यादव बिल्कुल साथ खड़ा है और मेरी बातचीत भी हुई है, बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्दी खेसारी जी को इस मामले से बाहर निकाल लेंगे। तो संजय जी पाई पाई का बदला लेंगे, आप इंतजार तो कीजिए, पाई पाई का बदला लेंगे, लेकिन उसमें एक लाइन आओ कहेंगे कि अगर खेसारी लाल यादव चाहेंगे तब, खेसारी लाल यादव अगर ठीक हो जाएं, हम पहले भी उनको बहुत समझाए हैं कि देखिए बड़े भाई आप जो सोच रखे हैं ये सोच सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति नहीं रखा है, आप अपने टीम में जिन जिन लोगों को आपने मुख्य मुख्य पद पे बैठा दिया है वो लोग आपका है ही नहीं, वो खाता आपके यहाँ है और गाता कहीं और है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो जो बीआईपी विजेंदर जी बोले थे वो सही बात है, सारी बातें बोल रहे कि मैनेजर जो है घोटाला किया है, ये किया वो किया, उनके साथ जो रहने वाले हैं वो उनको सुशांत सिंह बनाएंगे अगला, तो क्या सब ये सही है? देखिए प्रयास किया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत बनाने का, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में थे, ये भोजपुरी है, और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के सुपर स्टार नंबर वन स्टार नहीं थे, लेकिन यहाँ पे खेसारी लाल यादव भोजपुरी का नंबर वन स्टार है, तो सुशांत सिंह राजपूत की तुलना कभी खेसारी लाल यादव से नहीं हो सकती। खेसारी लाल यादव खेसारी लाल यादव है, ठीक है नरके का राजा सही, लेकिन हम राजा ना है जी, हम हाथ मिलाएंगे तो राजा से ना हाथ मिलाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत का कद जो था, अगर इंडस्ट्री की बात करें तब खेसारी जी से बहुत नीचे था। खेसारी जी जैसे भोजपुरी में सलमान खान है, शाहरुख खान है, वैसे खेसारी लाल यादव है भोजपुरी के लिए। साजिश तो हो ही रहा है, साजिश हम तो पहले भी आपके चैनल पे भी बोले कि साजिश जो है ये भोजपुरी इंडस्ट्री तक मामला सीमित नहीं है, ये जो मामला है ये मामला कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाजपाई लोग जो है उनको पता है कि देश की जनता जो है उनको अब देश से बेदखल कर रहे हैं, अब वो ढूंढ रहे हैं कि भाई मनोज तिवारी भाजपा में, रवि किशन भाजपा में, दिनेश लाल यादव भाजपा में, अगला सुपरस्टार पवन सिंह भाजपा में, तो एक ही सुपरस्टार हैं जो सबसे बड़े सुपरस्टार भोजपुरी के, वो हैं खेसारी लाल यादव जी, और वो जो हैं वो भाजपा में नहीं जाना चाहते हैं। अब भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के लोग इस बात से परेशान हैं, आप देखिएगा कि भाजपा के लोग की नीति कि वो क्या करेगा कि पहले आपको आरजू विनती करेगा कि चले आइए, अगर जो आप आरजू विनती से नहीं गए तो बाई फोर्सली आपको लाने का प्रयास करेगा, अगर बाई फोर्सली भी अगर आप नहीं हारे तो फिर आपको षड्यंत्र कर करके आपको उलझाने का प्रयास करेगा और आपको मानसिक तरीके से तोड़ने का काम करेगा। तो यही सारी जो प्रक्रिया है वो खेसारी जी के साथ चल रही है, लेकिन भाजपा वालों को, सामंतवादियों को, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो तुम अपने कभी भी इस सोच में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि खेसारी लाल यादव सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, खेसारी लाल यादव भोजपुरी का ब्रांड है, और भोजपुरी की 33 करोड़ की जो आबादी है, जो बोली सुनी और समझी जाती है, उस 33 करोड़ की आबादी के हृदय का नाम है खेसारी लाल यादव, और तुम अपने मंसूबे को कभी सफल नहीं कर सकते। लेकिन भैया उनके मैनेजर भी लाइव आके बहुत सारी बात कर रहे थे कि हम काहे चाहेंगे कि हमारा दाल रोटी चलता है चाहे कुछ भी, तो वो सारे लोग उनके समर्थन में है भैया, उनका कहना है। खेसारी लाल जी भी बोल दिए एक दिन लाइव आके कि कोई है, कुछ है तो आप लोग प्रूफ दिखाइए, जब भी आई पी विजेंदर सिंह सारी पोल खोल रहे थे तो हाँ। वो भी बोल रहे हैं कि अब खेसारी जी के मैटर में देखिए पोल की बात जहाँ तक है, पोल खोलने की बात जहाँ तक है, हमको पोल अढ़ोल समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ जिन्होंने भी कहा है कि अगर उनके पास प्रूफ है तो प्रूफ रखिए सामने, सिर्फ बोलने से नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो मैटर है, हमको सबसे पहले खेसारी जी को इस मैटर से बाहर निकालना है। हम लोग चूंकि लोगों के लिए हो सकता है कि भाई प्रोफेशनल मैटर होगा, हमारे लिए तो पारिवारिक मैटर है, हमारे लिए तो पर्सनल मैटर है ना, खेसारी लाल यादव हमारे परिवार के अंग हैं, तो
ये जो वक्त है इस वक्त का एक्सपीरियंस हम लोगों को बहुत पहले से है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी को सामंतवादियों ने थोड़ा सा परेशान किया, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने लालू प्रसाद यादव जी को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी संघर्षशील व्यक्ति, संघर्ष में अपना जिंदगी गुजार दिए, अंततः उन लोगों को हरा करके आज हम लोग के बीच खड़े हैं ना। वैसे ही खेसार लाल यादव जी भी इन लोगों को पछाड़ करके, धोबिया पछाड़ पटकेंगे इन लोगों को आप पटक करके, और फिर से वही बात साहब के साथ इंडस्ट्री में काबिज रहेंगे। तो खेसारी लाल को ये समझ में आ रहा है कि हम अगला सुशांत सिंह होंगे, क्योंकि वो तो कहते नहीं मेरे साथ जो रहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन कोई कोई आके बोलता है कि खेसारी लाल बर्बाद हुए, ये हुआ वो हुआ, बहुत अनेक तरह के बात जो बोला जा रहा है। अब ये चीज सोचना चाहिए ना, अभी भी शर्म नहीं आ रहा उन लोगों को जो उनके टीम का लोग है, उसको शर्म नहीं आ रहा कि तुम लोग इतना परेशान किए फिर भी अगला व्यक्ति जो है तुम लोगों को बचा रहा है, हैं? लेकिन इसके बावजूद तुम लोग कभी उनके बेटी के ऊपर गाना गवा देते हो, कभी उनको मेंटल हैरेस करते हो उनके बॉडी के ऊपर कमेंट करवा करके, और कभी जमीन का मैटर में तुम लोग फंसवाने का प्रयास करते हो, इस बार उनके करियर को ही चौपट करने का प्रयास तुम लोगों ने किया, तो इन लोगों को शर्म नहीं आती है? एक इतना बड़ा खेसारी के जैसा कोई स्टार है, खेसारी से ऊपर कोई स्टार है अभी भोजपुरी में? तो वो वैसा स्टार अगर सामने आकर के अपनी टीम का बचाव कर रहा है, इससे बढ़ करके संस्कार और संस्कृति क्या हो सकती है? इससे बढ़ करके एक स्टार के लिए सोच क्या हो सकती है? तो ये टीम का लोग सोचे ना, आखिर खेसारी जी कैसे फंस गए इसमें? मैनेजर का काम क्या होता है कि पढ़ लिख करके पहले देखो, मैनेजर का काम एक सेलिब्रिटी को मैनेज करना होता ना है। खेसारी जी जिस परिवार में जन्म लिए, जिस दौर में जन्म लिए, उस दौर में गरीब परिवार का पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल था, और गरीब परिवार से खेसारी जी थे। उस दौर में जब नहीं पढ़े लिखे तब ना मैनेजर रखे जी, अब मैनेजर रखे तो तब से मैनेजर क्या कर रहा था, क्यों नहीं बढ़िया से पढ़ा लिखा है? और ये कौन सा एग्रीमेंट होता है कि हाँ एक ही कंपनी के लिए तुम गाओगे? एक कंपनी के लिए मान लीजिए एग्रीमेंट ये होता है कि हाँ साल में या दो साल में तुम इतना गाना हमारे लिए दोगे। हाँ तो 200 गाना के था भैया, 200 गाना उस पे है कि 200 गाना देना, लेकिन साल का तो मुझे पता नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि साल भर में देना है या दो साल में देना है या पांच साल में देना है, ये एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये कहाँ की एग्रीमेंट है कि तुमको हमारे ही एक मैंने कंपनी में देना है, कहीं और नहीं देना है? ये तो गलत बात है। तब तो तुम कलाकार को तुम बांध रहे हो, हैं? तब तो कलाकार के साथ छल कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे, और किसी भी हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। खेसारी लाल यादव के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे उनके मुसीबत में। खेसारी जी से बात हुआ है? हाँ, काहे नहीं, अरे बड़े भाई हैं, काहे नहीं बात होगा। क्या क्या बोले आपसे? हुआ है बात इसे ही सब मुद्दे पे कि इसे मैंने क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, विचार हुआ है उस पे, हम लोग भी लगे हुए हैं। जैसे जो बर्बाद करने वाला लोग है वो अपना ताकत लगा ले, और हम लोग आबाद करने वाले लोग हैं। तो ये कौन बर्बाद करना चाह रहा है खेसारी जी को, कुछ आपको पता है, नॉलेज है? देखिए ऑडियंस भी जान रही है, आप भी जान रहे हैं, और खेसारी जी भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो कहना क्या, वो खुद ब खुद टीम से बाहर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, खुद ब खुद टीम से बाहर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे गायकों में भैया डर का माहौल है एग्रीमेंट को लेकर के। अभी हमारे चैनल पर टुनटुन यादव भी बोले कि एग्रीमेंट से तो हम बहुत डर रहे हैं, जो कि उभरते कलाकार हैं। हाँ तो बिल्कुल डरेगा कोई भी ये तो भोजपुरी को बर्बाद करने की साजिश है ग्लोबल म्यूजिक के द्वारा। ग्लोबल म्यूजिक भोजपुरी को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए कलाकारों के साथ इस तरह का अमानवीय एग्रीमेंट किया। जैसे ये एग्रीमेंट कहाँ का होता है कि सिर्फ मेरे ही कंपनी के लिए दोगे गाना, है? आप बताइए कि जैसे एक कंपनी के लिए देगा, अगर तुम्हारी कंपनी अगर उस गाना को रिलीज नहीं करेगी तब तो अगले कलाकार का करियर बर्बाद हो गया, तब तो बर्बाद हो गया ना। एग्रीमेंट ये होना चाहिए कि हाँ साल भर में या दो साल में या दस साल में तुमको इतना गाना देना है हमारे कंपनी के लिए, बाकी तुम किसी से गाओ, ये एग्रीमेंट होना चाहिए। ये कहाँ की बात है कि हाँ खाली हमारे लिए गाओ, ये कहाँ की बात है? एक खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने की पूरी साजिश थी, लेकिन हम लोग उनके साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हम लोग इस महाभारत को जीतेंगे, और महाभारत साक्षी है कि जो सत्य के साथ होता है उसकी विजय होती है। परेशानी थोड़ी सी होती है, लेकिन सत्य कभी भी हारता नहीं। भैया क्या कहेंगे जी, आप भी एक कलाकार हैं, जितने हमारे जो भोजपुरिया कलाकार हैं वो डर रहे हैं एग्रीमेंट से, तो उनको क्या कहेंगे, एग्रीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, एग्रीमेंट ठीक है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जीवन में होते रहता है, आप प्रोफेशनल लाइफ में तो एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसको पढ़िए लिखिए समझिए और अपने लोगों से पढ़वाइए। एग्रीमेंट भले ही दो दिन की जगह पे 20 दिन समय लग जाए उसको उस पर साइन करने में, लेकिन कभी भी भावना में बह करके साइन मत कीजिए, भावना में बह करके डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन जब आप लेते हैं, खास करके जो ऑन पेपर जो आपका डिसीजन होता है, वो डिसीजन बहुत मायने रखता है। उस डिसीजन को लेने में समय दीजिए और अपने लोगों से समझिए, प्लस में आप अपने टीम के अहम पदों पे
कभी भी आप अपनी टीम के अहम पदों पर प्रयास कीजिए कि वो आपका अपना व्यक्ति बैठे, ऐसा नहीं कि उस पर किसी गैर को बैठा दीजिए जो आपके यहाँ खाता हो और दूसरे के यहाँ मुस्कुराता हो, वैसे व्यक्ति को कभी मत बैठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।